बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। राखी सावंत ने इसको लेकर एक वीडियो बनाया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनका आना एक सीक्रेट था। इसके लिए राखी सावंत ने पीएम मोदी को भी थैंक यू बोला है। दरअसल राखी सावंत ने ये बात हेमा मालिनी की बात का पलटवार करते हुए कही है। हाल ही में हेमा मालिनी मथुरा गई थी। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या कंगना रनौत मथुरा से चुनाव लड़ेंगी। इस सवाल पर हेमा मालिनी भड़कते हुए कहा कि मथुरा में क्या सब फिल्म स्टार ही चाहिए, मथुरा का जो सांसद बनना चाहेगा उसको तो आप बनने नहीं देंगे, कल राखी सावंत को भी भेज देंगे। राखी सावंत ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि पीएम मुझे ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं और इस बार मुझे चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। इसका ऐलान हेमा मालिनी जी ने कर ही दिया है। मैं देश की सेवा के लिए ही पैदा हुई हूं और देश की सेवा ही करना चाहती हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बनाते बनाते पीएम का काम कर सकते हैं, तो मैं बॉलीवुड में रहते रहते सीएम क्यों नहीं बन सकती। मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। 2024 में अब आप मुझे चुनाव लड़ते हुए देखेंगे, लेकिन किसके अपोजिट ये सरप्राइज है। राखी सावंत ने आगे कहा कि दरअसल इस बारे में पीएम मोदी जी और अमित शाह जी खुद बोलने वाले थे, लेकिन खैर छोड़ो। पीएम मोदी कहे या हेमा मालिनी, एक ही बात है। मैं अब स्मृति ईरानी पार्ट 2 बन के दिखाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ने वाली हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। हेमा दी शुक्रिया मेरे बारे में इतनी अच्छी बात कहने के लिए। सांसद हेमा मालिनी शनिवार को मथुरा में थी। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने हेमा मालिनी से कंगना रनौत के मथुरा से चुनाव लड़ने के बारे में सवाल पूछ लिया। इस पर हेमा मालिनी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मेरा विचार मैं क्या बताऊं, मेरा विचार भगवान के ऊपर है। लॉर्ड कृष्णा विल डू इट व्हाट यू वांट। बस आप सब ने दिमाग में डाल रखा है कि यहाँ फिल्म स्टार ही बनेगा, आपको मथुरा में सब फिल्म स्टार ही चाहिए। भाजपा सांसद हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा सीट से 2 बार चुनाव जीत चुकी है। साल 2014 में हेमा मालिनी ने यहाँ से रालोद मुखिया जयंत चौधरी को हराया था। इसके बाद 2019 के चुनाव में रालोद के कुंवर नरेंद्र सिंह को करारी शिकस्त दी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस बार अभिनेत्री कंगना रनौत के नाम की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत बीते एक साल में 2 बार ब्रज दर्शन को आ चुकी हैं। हाल ही में कंगना 19 सितंबर को वृंदावन आई थीं। उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली निधिवन राज मंदिर में भी दर्शन किए। कंगना रनौत ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कान्हा के दर्शन भी किए थे। उन्होंने ठाकुर जी से आशीर्वाद लिया। हालांकि इस दौरान कंगना रनौत मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचती रहीं। कंगना ने सिर्फ इतना ही कहा था कि वृंदावन में दर्शन करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कंगना ने बताया कि फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग खत्म होने के बाद वह ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने आई हैं। कंगना के ब्रज प्रेम को देखते हुए मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें शुरू हो गई हैं। इस पर जब सांसद हेमा मालिनी से सवाल किया गया तो वह असहज हो गई थीं।